मॉर्निंग ड्रेस ही उठ रहे हैं। बच्चों कहानी पढ़ना और सुनना सबको पसंद है, आपको भी पसंद होगी। चलिए अपनी अपनी हिंदी की बुक निकालिए और हम लोग इसमें आज एक कहानी पढ़ते हैं। आपका चैप्टर 2 है कछुआ और उसके दोस्त। ये स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कछुआ और उसके दोस्त बंदर की। तो चलिए सुनते हैं कहानी। बच्चों एक छोटा सा कछुआ था। कछुआ देखा कभी आपने? कहाँ रहता है? पानी में। एक छोटा सा कछुआ था, उसका नाम था दीपू। तो एक दिन वो कछुआ कहीं जा रहा था। अब कछुआ तो धीरे धीरे चलता है, आप लोगों ने सुना ही होगा। तभी एक बंदर आता है, उछलता कूदता हुआ। बंदर तो बहुत नॉटी होता है ना। तो बंदर आता है, कहता है, अरे दीपू तुम्हारा नाम तो धीमू होना चाहिए, इतने धीरे धीरे चलते हो, कभी घर भी पहुंचते हो या रास्ते में ही चलते रहते हो। अब बंदर की बात सुन के बेचारा दीपू बहुत दुखी हो गया। वो घर पहुंचा, उसको उदास देखकर उसके दादाजी ने कहा, क्या बात है दीपू, इतने उदास क्यों हो? तो दीपू ने अपने दादाजी को सारी बात बताई। बोला कि सभी लोग मुझे धीमू धीमू के चिढ़ाते हैं। दादाजी ने कहा, धीमे चलना कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात है रुक जाना। सब में कोई ना कोई खूबी होती है, तो तुम्हारे अंदर भी कोई ना कोई खूबी होगी। ये सुनकर दीपू खुश हो गया। कुछ दिन बाद फलों का मौसम आता है। अब नदी के उस पार बहुत सारे मीठे मीठे फल लगे। अब बंदर देख रहे हैं, उनको लालच आ रहा है कि फल कैसे खाएं, हम तो तैर नहीं सकते, हमको तैरना नहीं आता है। अब दीपू उन सबकी बातें सुन रहा था। उसने सोचा, चलो इन बंदरों की मदद की जाए। उसने अपने सारे कछुआ दोस्तों को बुलाया और सब एक के पास एक, एक के पास एक नदी में तैरने लगे। बंदरों से दीपू ने कहा, दीपू आओ तुम और तुम्हारे दोस्त हमारी पीठ पर चढ़ चढ़ के नदी के पार चले जाओ और फल खाओ। बंदरों ने ऐसा ही किया। फिर क्या हुआ, दीपू की तारीफ होने लगी। बंदरों ने अपने किए की माफी मांगी दीपू से और कहा, दीपू अब हम तुम्हें कभी नहीं चिढ़ाएंगे, सब में कोई ना कोई खूबी होती है, तुम्हारे अंदर भी खूबी है। तो बच्चों बताओ कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी? अब इसको आप फिर से पढ़िएगा। चलिए अब इसमें कुछ शब्द हैं, इसके अर्थ लिख लेते हैं। अपनी नोटबुक निकालिए। प्रसन्न मीन्स क्या होता है? खुश। रसीले मीन्स रस भरे, जिनमें रस होता है। सेतु मीन्स फुल और आनंद मीन्स मजा। इनको नोट कर लीजिए और कहानी को पढ़िएगा। मिलते हैं।